बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीरे आज़म से कहो मेरे पास टाइम नहीं है। वो आर्मी चीफ जिसने नवाज़ शरीफ से मिलने से इनकार किया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद ने अपने 50 साल सियासी सफ़र पर एक किताब लाल हवेली से अक़वामे मुत्तहिदा तक में फरजंदे पाकिस्तान शेख रशीद की सियासत के 50 बरस लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कई सनसनी खेज इनकशाफात किए। अपनी इस आपबीती में शेख रशीद ने कहा, यह भी इनकशाफ किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड असलम बेग मिर्ज़ा के बारे में आखिरी वक्त तक यही ख़तरा था कि कहीं वो मार्शला ना लगा दे। उनके बाद आने वाले आसिफ नवाज जंजुआ भी मार्शला के चक्रों में थे। शेख रशीद लिखते हैं कि जनरल असलम बेग और आसिफ नवाज दोनों इकतदार के कब्ज़े में यकीन रखते थे। एक दिन में छूंक पड़ा कि सरकारी इशाइये में ब्रिगेडियर सईद मिलिट्री सेक्रेटरी ने आसिफ नवाज से कहा कि कल मुलाकात का आपका वक्त 11:30 बजे हैं। उस पर उन्होंने फौरन कहा कि वज़ीरे आज़म से कहो कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने परसों टाइम मांगा था तो उनके पास टाइम नहीं था। इस टेबल पर और भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स बैठे हुए थे। असलम बेग के रिटायर्ड होने पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुबारकबादों का सिलसिला जारी था। मेरे नज़दीक आसिफ नवाज भी इसी राह पर चल निकले थे और इतने सरेआम ये कहना कि मेरे पास वक्त नहीं, ये ख़तरे से खाली नहीं था। मैंने असलम बेग का भी वक्त देखा था और असलम बेग की रिटायरमेंट पर नवाज शरीफ और इसहाक खान की मुत्तफिका राय थी, वरना मैं तो असलम बेग को भी आखिरी दिनों में मार्शला लगाने के लिए तैयार देख रहा था। खलीज की जंग जारी थी। एक दिन डिफेंस की एक मीटिंग में मैंने असलम बेग की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी और उनकी गुफ्तगू सुनकर सकते में आ गया। उनके नज़दीक अगर सऊदी अरब में फ़ौज को सही हथियारों से मुंतजम करके ना भेजा गया और अगर वहाँ कुछ हो गया तो क्या होगा। हालांकि फ़ौज सऊदी अरब में उनके मशवरे से ही भेजी जा रही थी। अब वो कुले इनकारी और तनकीद से भरे थे। शेख रशीद की नई किताब लाल हवेली से अक़वामे मुत्तहिदा तक शाया हो चुकी है। ताहम उसकी तकरीब रोनुमाई योम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर को होगी।